अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं पनीर और शिमला मिर्च की ड्राई सब्जी। ये बहुत ही सिंपल, क्विक और बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते। तो हमें जो चीज़ें चाहिए वो है, मैंने ली है तकरीबन 250 यानी कि पाव किलो पनीर, 250 ग्राम्स ऑफ पनीर जो पाव किलो है। एक मैंने मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी जिन्हें मैंने क्यूब्स में इस तरह से काट लिया। आई रिमूव द सीड्स, मैंने इनकी सीड्स निकाल दी हैं। और तीन मीडियम साइज़ के टमेटोस, दो से तीन मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हमें चाहिए ऑयल, वन कप कोरिएंडर लीव्स, वन टी स्पून फुल ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थ्री मीडियम साइज़ ऑफ आनियन जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। और ये ड्राई मसाले हैं जिनमें हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये ज़्यादा तीखा नहीं है, 1/2 टीस्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पूनफुल ऑफ ज़ीरा एंड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ्राई पैन गरम करने रख दिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ मेरा जो ऑयल है। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले ये आनियन, और इसे मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के से कलर चेंज ना कर ले। मुझे इसे ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाने तक हमें इसे फ्राई करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, प्याज ने अपने कलर चेंज कर लिए हैं। बस इसी कंसिस्टेंसी पे जब ये आ जाएँ, हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तब मैं डालूँगी मेरे जो ड्राई मसालों में से है जो ज़ीरा, सॉल्ट और हल्दी। अब मैं इसमें फिलहाल सिर्फ डालूंगी हल्दी, नमक, ज़ीरा, दैट इज़ टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एंड ज़ीरा। और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो तकरीबन 1 टीस्पून फुल है, वो मैं इसमें भी डालूंगी। और इन सबको, यानी कि जो मेरी हल्दी पाउडर, नमक और ज़ीरा और जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है, उसमें तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट हो चुके हैं अब, और जिंजर गार्लिक की एक अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें डालूँगी मेरे जो ये टमेटोज़ हैं उन्हें। टमेटोज और ये ग्रीन चिलीज, इसमें मैं डालूंगी टमेटोज और ग्रीन चिली। और ये रेड चिली पाउडर। तो जब मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद मैं डालूंगी मेरा टमेटोज, ग्रीन चिलीज और रेड चिली पाउडर, और इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और अब मैं इन्हें तकरीबन 10 मिनट, जब तक ये गल नहीं जाते मेरे टमेटोज, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इन्हें स्लो गैस पे ढक कर पकाऊंगी। जब तक ये पूरी तरह से अच्छी तरह से गल नहीं जाते। 15 मिनट हो चुके हैं और मैं आपके सामने ही लिप खोलती हूँ। और ये देखिए, टमेटोज अच्छी तरह से गल चुके हैं, सारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मेरी जो के बाद मैंने अपनी शिमला मिर्च डाल दी है, और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 ऑफ दिस कोरिएंडर लीव्स, 1/2 में से गार्निशिंग के लिए रखूंगी। अब अगेन मैं इसे तकरीबन 5 मिनट तक ये शिमला मिर्ची गल नहीं जाती तब तक इसे पकाऊंगी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि ये ड्राई सब्जी है, तो हमें इसे बिल्कुल सूखा रखना है। अब मैं अगेन इसे 5 मिनट्स के लिए स्लो गैस पे कुक कर लूँगी। इसमें डाल दिए पनीर, और पनीर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला है। तो तकरीबन सिर्फ हम 1 मिनट तक ही इसे पकाएंगे, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसालों में अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये ड्राई सब्ज़ी बनती है और ये बहुत अच्छी बनती है। प्लीज़ डू ट्राई माय वे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। 1 मिनट तक मैं इसे एक पकने रखती हूँ, तकरीबन 1 मिनट के लिए, और फिर मैं, तो देखिए 1 मिनट हो चुके हैं और मैंने तकरीबन 1 मिनट तक
पकाया था पनीर को देखिए हो चुकी है माशाल्लाह से सब्ज़ी, बहुत खूबसूरत कलर आया है और बहुत अच्छी बनी है ये। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और गैस बंद करने के बाद मैं इसमें डालूँगी जो मेरा हरा धनिया है। तो देखिए कितना अच्छा कितना खूबसूरत कलर आया है, ये ड्राई सब्ज़ी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो प्लीज़ डू ट्राई इट और मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया, मैं आपको पास आके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, और ये चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर माई डेली नोटिफिकेशंस। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।